50 क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर की एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 58, एग्जाम्पल 58 मेरे में। हिम्मत लिमिटेड हिम्मत लिमिटेड, या फॉलोर 58 मेरे में पिनाकल है, और 59 स्टार है, और 60 मेरे में, हिम्मत लिमिटेड मेरे में 60 है। चलो ठीक है। हाँ, अब पहले इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में चलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल नंबर 58। अगला लगाओ, जब तक फिर बताते हैं। अब तो बंद कर, पढ़ाने का टाइम होता है, उस समय थातर मतर करते हो ना। हाँ, 58 नंबर में पहला देखो क्या लिखा है, प्रपोज डिविडेंड 20% और 15%, करेक्ट। तो अब ये प्रपोज डिविडेंड किस पे दिया जाएगा? प्रपोज डिविडेंड जो है वो कौन सी वैल्यू पे दिया जाता है? डिविडेंड की डिविडेंड किस पे दिया जाता है ये बताओ ना। प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर के किस चीज पे? मतलब किस चीज पे हाँ, कौन सी वैल्यू पे देते हैं डिविडेंड? वैल्यू पे प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे तो देते हैं बेटा, लेकिन किसकी? जैसे लिखा है 20%, तो 20% किसका निकालेंगे? कैपिटल का शेयर कैपिटल का ना। हाँ हाँ, तो 20% आएगा 15 लाख का, 20% आएगा कितना? 15 लाख का 20% और 10 लाख का 15%। पंद्रह 10 लाख का 15% आएगा 1.5 लाख रुपए। आएगा अरे, 1.5 लाख का 15%? का सॉरी, 10 लाख का 10 लाख का 15% 15,000 15,000 आएगा कि 1.5 लाख आएगा? हाँ 1.5 लाख आएगा 1.5 लाख और 1.5 लाख आएगा पंद्रह लाख का 20%, 3 लाख 3 लाख रुपए, करेक्ट। तो तुम्हारा जो प्रपोज डिविडेंड है वो कहाँ कहाँ जाता है, मैंने बताया था, बताओ। कहाँ कहाँ जाता है सर हाँ, हम्म लिखा था, देखो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये देखो, लिखा है लिखा है ना?
तो प्रीवियस ईयर वाला जो निकालोगी वो 1.5 लाख रुपए, पीछे जाके सोल्यूशन में देखो 1.5 लाख रुपए प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा है, डिविडेंड पेड के नाम से 1.5 लाख रुपए लिखा है। सॉल्यूशन हाँ सोल्यूशन में देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड 1.5 लाख रुपए लिखा है, में पेमेंट 1 लाख ठीक है। और इसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ सकती जाओ, हाँ फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी 1.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पर ये 1.5 लाख क्यों लिखा है? इसके लिए कहीं ना कहीं प्रपोज डिविडेंड डिविडेंड पेड कहीं दिया होगा। डिविडेंड पेड, नीचे दिया है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000 पेड टुवर्ड्स द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये तो इनकम, ये तो वो लिखा है ना, इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स तो ऑलरेडी माइनस हो गया होगा, 15,000 रुपए देखो प्लस हो गया है, इनकम माइनस हो गया 15,000 ना टैक्स। हाँ 15,000 माइनस हो, नहीं इनकम टैक्स पेड कितना लिखा है, 15,000 माइनस करके बाकी पेड हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा होगा ना कहीं, ये लिखा तो है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो उसका अकाउंट बना के फिर पेड करना पड़ेगा, वो तो ठीक है। ये डिविडेंड का लफड़ा प्रोविजन बैलेंस शीट जो बनी है उसमें लिखा है, टैक्स नोट्स टू अकाउंट में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ तो पिछले साल का 80,000 टैक्स था, उसमें से इस साल का 15,000 माइनस, इस साल मतलब प्रोविजन 15,000 माइनस करके बाकी का 65,000 पे कर दिया। और जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो ऑपरेटिंग में देखो ऐड हो गया है, करंट ईयर का ऐड हो जाता है, इस साल का माइनस हो जाता है, प्रीवियस ईयर का माइनस हो जाता है। ये हर जगह रूल लगेगा, मेरे को वो नहीं मिल रहा, तुम्हारा प्रपोज डिविडेंड नहीं मिल रहा, बस वो 3 लाख का 1.5 लाख कैसे हो गया ये समझ नहीं आ रहा। उसका हिंट ये होना चाहिए था कि 1.5 लाख का प्रोविजन अभी बचा हुआ है, तब यहाँ 1.5 लाख आता, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 1.5 लाख। पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो अपन ने 1 लाख, अच्छा हाँ ठीक है, पर डिविडेंड पेड पोस्ट डिविडेंड जो होता है प्रीवियस ईयर का टीवी ऐड हो जाता है और फाइनेंसिंग। हाँ ठीक तो है बेटा, जो यहाँ लिखा वही तो किया उसने, पर यहाँ क्या लिखा था, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला ऑपरेटिंग में प्लस कर देते हैं और फाइनेंसिंग में माइनस कर देते हैं, करेंट ईयर का तो कोई यूज ही नहीं होता ना। जो लिखा है अपन ने क्वेश्चन में वही तो किया उसने। चलो प्रपोज डिविडेंड में तो क्या कर दोगी, 15% यहाँ लिखे हो, यहाँ 15% लिखा है, कहाँ का 1.5 लाख रुपए ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा, डन है ना, सर ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरा एडजस्टमेंट देखो क्या कह रहा है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 15,000 पेड टूवर्ड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो इस साल हमने टैक्स दिया है उसमें 15,000 रुपए डिविडेंड वाला टैक्स है, इस साल हमने कौन सा टैक्स दिया होगा जो पिछले साल का रहा होगा। पिछले साल का टैक्स कितना था देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स था 80,000, अस्सी हाँ हजार में 80,000 80,000 में 15,000 कौन सा जुड़ा हुआ है, डिविडेंड वाला। बढ़ रहा है ना 15,000 से अच्छा नहीं इंक्लूड्स, उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, 80,000 में 15,000 पहले से इंक्लूड है इंक्लूड है तो उसको अलग कर लो, ये 15,000 हाँ फाइनेंसिंग में माइनस कर दो,
और बचे हुए 65 ऑपरेटिंग में माइनस कर दो, देखो सोल्यूशन कैसा कर। सोल्यूशन में लास्ट में देखो हाँ, माइनस कितना, किया है, इनकम टैक्स पेड में माइनस किया है 65 ऑपरेटिंग में। 80 में 15 माइनस करके 65 लिखा है, ऐसा क्यों है? सब इसलिए प्रीवियस कि ईयर का क्यों था? बेटा देखो जो मैं इस साल कमाई करूंगा उसका टैक्स कब भरूंगा, जो मैं इस साल इनकम कमाऊंगा उसका टैक्स कब दूंगा, अगले साल अगले साल। यानी इस साल मैंने कौन सा टैक्स दिया होगा, अगले पिछले साल का। पिछले साल का, इसीलिए इसमें जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है वो इस साल पे होगी और इस साल वैल्यू वैल्यू अगले साल पे होगी। बात समझ में आई? हाँ सर, हाँ तो देखो 80,000 में आ 15,000 घटाने के बाद मेरी इनकम टैक्स हो गया, गया। और बच्चों 15,000 है वो मेरे फाइनेंस का है तो फाइनेंसिंग में चला गया। देखो चला गया सर। चला गया, और जो हाँ इस साल का मैंने टैक्स सोचा है 90,000 रुपए, 95,000 रुपए वो मैंने ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया है। देखो कि मुझे इस साल का इतना टैक्स देना पड़ सकता है, पहले एडजस्टमेंट समझना जरूरी है, क्योंकि वो समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। अब आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए तो अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, लाइन एंड बिल्डिंग के लिए काम बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। ये अपन ने बनाया, वैल्यू मिटा दी, यहां मैंने इसका नाम लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अब इसमें प्रीवियस ईयर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है चेक करो ऊपर जाके, देखो प्रीवियस ईयर की लैंड एंड बिल्डिंग है 6,50,000, मतलब 8 लाख, 8 लाख। और इस साल है 6,50,000। आप पढ़ो लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,50,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 1,50,000 का 10% कितना हुआ, 15,000। 15,000 तो प्रॉफिट की जगह पे लिख दिया और बेचा कितने में, 1,65,000 में। तो हाँ। इस पे डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, डिफरेंस वो निकालो। अकाउंट बनाना। वो कब बनाते हैं, जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होता है, इसमें नहीं दिया है ना, अच्छा, नहीं दिया। तो हाँ जब हाँ नहीं दिया तो सीधे सीधे डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। ये हो गया 8,15,000, तो यहां भी आना चाहिए 8,15,000, तो इनको माइनस करो कितना हो रहा है, 40,000 चेक कर लेना ध्यान से, से 6,50,000 और 1,65,000 मिला के कितना होता है, हाँ, 8,15,000। यानी कि यहाँ वैल्यू आ रही है 0। मैं डेप्रिसिएशन एक भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक, ये हमको पता चल गया कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी। पर इसमें तो डेप्रिसिएशन 40,000 आई और लिखा होगा देखेंगे आगे, हुई है। क्या लिखा? हाँ देखो ये लिखा है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 10%,
हाँ कितना है? 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का था पिछले साल? 40,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का है, लैंड एंड बिल्डिंग का नहीं है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन शुरू करें हाँ कि अब अपने से लगा लोगी इसके बाद? लगा लूंगी मैं। हाँ लगा लोगी? समझा एडजस्टमेंट समझाना, समझा देंगे तो तुम अपने आप सारे लगा लोगी, मुझे मालूम है ना। क्योंकि तो मेन एडजस्टमेंट में ही फंस जाते हो जाके। तो एक बार पूरे एडजस्टमेंट को रिवाइज करो, जल्दी जल्दी नोट कर लें अपन कि कौन सी चीज कहाँ लिखी जाएगी। हाँ जब ये आप नोट करिए, आपके पास रिवीजन हो जाएगा तो आप आराम से लगा लोगे। चलो, पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा था? प्रपोज्ड डिविडेंड पहले है डिविडेंड 20% और 15%, है ना? तो इसको क्या करना था? 15% निकालना था अपन को किसका? शेयर्स का, शेयर कैपिटल का, कौन से शेयर का? शेयर कैपिटल। कौन सी? प्रीवियस ईयर की करंट ईयर? हाँ, तो ये 1.5 लाख रुपए जो आया, इसको हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे, उसको और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। वेरी गुड, ठीक। दूसरा एडजस्टमेंट क्या कहता है? इनकम इनकम टैक्स। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000 पेड टूवर्ड्स द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो मतलब आपका इनकम टैक्स पेड हुए 15, 80,000 रुपए तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है, इसमें अपन क्या करेंगे? 15,000 को करेंगे माइनस, और 65,000 आएगा, जिसको कहाँ लिखेंगे? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग से माइनस कर देंगे। हाँ दूसरा क्या करना पड़ेगा? 15,000 रुपए को क्या करेंगे? माइनस करेंगे फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग से। और हमारा जो 95,000 है, उसका क्या करेंगे? हाँ, से। 95,000 को हम करंट ईयर का है तो वो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? प्लस। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि आपने उसको 95,000 को खर्चे की तरह दिखाया है, पर वो एक्चुअल में खर्चा अभी हुआ नहीं है। नहीं है, ठीक है ना? हाँ, ये हो गया। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग का तो हिसाब हो गया, बिल्डिंग वो अकाउंट बन गया, है ना? और चौथे वाले में क्या लिखा है? प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन है 10%। डेप्रिसिएशन कितना होता है? 40,000। 4 लाख रुपए का 10%। यस, 40,000 रुपए। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, नहीं प्लस करेंगे, प्लस करेंगे ऑपरेटिंग। अब इसके बाद फटाफट एक काम करो, एग्जाम्पल तुम्हारे पास सॉल्व तो है ही, हाँ अपन यहाँ पे नहीं करते हैं, पर ओरली चेक करते हैं कि अपन जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। हाँ चलो, शेयर कैपिटल पहली वैल्यू। सोल्यूशन बाद में देखना है, पहले से पहले को 10 लाख है और 15 लाख है, तो 5 लाख रुपए फाइनेंसिंग में प्लस होगा कि माइनस, बताओ मुझे, होगा। चेक करो जाके हुआ है कि नहीं। हुआ है, 5,00,000।
ठीक है, पेंसिल है, है। पेंसिल है तो पेंसिल लेके बैठो और जो चीज हो जाए उसको टिक कर दो, छोटी सी चिड़िया बैठा दो, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे। तो पहला आइटम भी पड़ गया, अब अगला है रिजर्व एंड हाँ। सरप्लस, ये है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको ऑपरेटिंग में माइनस करके 1.5 लाख लिखा है कि नहीं लिखा चेक करो। लिखा हुआ है। लिखा है, चलिए ये भी हो गया, इसको भी टिक कर दो। अगला आता हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन में चलो, पहला है डिबेंचर, 2 लाख रुपए के थे अब 0 हो गए, तो क्या हुआ, फिर रीपेमेंट ऑफ हाँ। डिबेंचर हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या डिबेंचर पहले थे 2 लाख रुपए के, सर? अब हो गए 0, हाँ। इसका मतलब 2 लाख के डिबेंचर का पेमेंट हो गया। तो अगर पेमेंट हो गया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस किया है 2 लाख रुपए, चेक करो। हाँ, माइनस किया वेरी गुड, अब बोला बैंक लोन है, पिछले साल लोन एक भी नहीं था, इस साल 1 लाख का लोन आ गया, तो हाँ देखो 1 लाख रुपए प्लस किया क्या फाइनेंसिंग ने, प्लस किया। डन। डन। तब ऊपर आ जाओ वापस, करंट लायबिलिटी आ गया अगला आइटम, लायबिलिटी पिछले साल 1,10,000 थी, इस साल 10,000, 1 लाख हो गई, तो 10,000 रुपये कम हो गई, तो फाइनेंसिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में माइनस हुआ है क्या 10,000, ट्रेड पेबल। हाँ, हुआ है 10,000 माइनस, हुआ है। चलो अगले में आ जाओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पॉइंट नंबर टू में चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स, आ गया इनकम टैक्स वाला लफड़ा, तो हाँ, आ इनकम टैक्स का क्या किया अपन ने, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये काम कर देंगे पूरा, गया। ये तो अपन ने सीख लिया है, इसको छोड़ दो, अब अगले में चलो, अगला आइटम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पॉइंट नंबर तीन, प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर तीन आ गए, पॉइंट नंबर तीन में है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाया है अपन ने, ये अकाउंट बना हुआ है, बना अब इसमें तुमने देखो ये प्रॉफिट जो है वो ऑपरेटिंग में माइनस हुआ है क्या 15,000, चेक करो, माइनस टू मैम। हुआ है ना, तो सेल्स वाला 1,65,000 इन्वेस्टिंग में प्लस हुआ है क्या, हाँ, प्लस तो है। हुआ है, तो ये हुआ। हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का काम खत्म, हाँ। अब आ जाओ प्लांट एंड मशीनरी, पहले 4 लाख की थी अब 3,60,000 रुपए की हो गई, तो 40,000 जो कम हुआ वो पॉइंट नंबर जो आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 है उसके हिसाब से कम हुआ ना, 40,000 का डेप्रिसिएशन घट गया, तो 40,000 का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस हुआ है क्या, नहीं, 40,000 का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस नहीं हुआ, प्लस हुआ है। हाँ, प्लस हुआ है। प्लस हुआ है।
ये तुम्हारा लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी भी निपट गया। अब आ जाओ इनटेंजेबल एसेट्स, गुडविल। गुडविल थी 2 लाख की, अब हो गई 1,80,000 की, तो 20,000 रुपए की हाँ गुडविल कम हो गई। तो गुडविल रिटेन ऑफ ऑपरेटिंग में प्लस हुआ है कि नहीं हुआ चेक करो, या अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ऐसा कुछ लिखा है? हाँ लिखा हुआ है, प्लस हुआ है। 20,000 प्लस हुआ है। अगर गुडविल बढ़ जाती, समझना मेरी बात, अगर गुडविल 2 लाख से 2,50,000 की हो जाती तो परचेज ऑफ गुडविल करके इन्वेस्टिंग में लिखते। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, अगर ये घटेगा तो ऑपरेटिंग में आएगा, बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो 0 था, 6 लाख हो गया। इन्वेस्टिंग में देखो 6 लाख माइनस हुआ है कि नहीं? 6 लाख माइनस हुआ। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टिंग का आइटम है। इन्वेस्टिंग करते हैं। छह लाख रुपए इन्वेस्टिंग से माइनस हुआ है। इन्वेस्टमेंट कहाँ दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, इन्वेंटरीज इन्वेस्ट दिया। हाँ, 6 लाख इन्वेस्टिंग माइनस हो एक्टिविटी में जाएगा। चेक करो। माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि आउटफ्लो हुआ, नहीं था आउटफ्लो, हाँ, एकदम क्योंकि से आ पैसे गया। का आउटफ्लो हुआ, क्योंकि पैसा गया। वेरी गुड। अब आ जाओ इन्वेंट्री में अगला आइटम, इन्वेंट्री। क्या सर? इन्वेंट्री है ना अगला आइटम। हाँ अब इन्वेंट्री क्या हुई, 1 लाख थी और 1,80,000 हो गई, बढ़ गई, तो पैसा आउटफ्लो हो गया, तो ऑपरेटिंग में माइनस हुआ होगा 80,000। देखो हाँ माइनस हुआ है। फिर अगला आइटम ट्रेड रिसीवेबल, ये भी माइनस होगा 50,000। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चौथा नंबर पॉइंट आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट का पॉइंट नंबर 4। ओपनिंग वाला ऐड करेंगे तो आंसर का क्लोजिंग वाला आ जाएगा। तो अगर कैश को सॉल्व करना है तो आप ऊपर से सॉल्व नहीं करेंगे, पहले क्या सॉल्व करेंगे? पहले एडजस्टमेंट निपटाएंगे, अगस्त है ना, तब सॉल्व होता है। और टीचर जब पढ़ाते हैं ना तो वो पहले क्या कंसिडर करते हैं? अडजस्टमेंट। नहीं तो जब तुमने इसके पहले पढ़ा था तो पहले क्या सॉल्व किया था? एडजस्टमेंट पहले भी एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करती थी कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करने लगती थी? क्वेश्चन। तो क्या होता है, कई बार कुछ चीजें उल्टी समझ में आती हैं, सीधी सीधी समझ में नहीं आती। अब बताओ कौन सा लगाना है अगला? क्योंकि तुम्हारे सीबीएसई में तुमने एक बहुत सही चीज पकड़ी है, सीबीएसई में एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आते हैं, तुमने एग्जाम्पल ही पकड़ा है सब। सिक्सटी नाइन करा दो, कौन सा?
नहीं। इसके बाद वाला जायलो। सालो। चलो इसके भी एडजस्टमेंट को देखो पहले। 9। इसमें पहला एडजस्टमेंट कौन सा है? मशीनरी एनी एसेट ना। तो पहले तो हमको मशीनरी का अकाउंट बना। अच्छा मशीनरी में कहीं अक्यूमुलेटर तो नहीं दिया? चेक करो। नहीं दिया। एडजस्टमेंट में तो अक्यूमुलेटर नहीं लिखा। नहीं नहीं लिखा। लिखा। चलो पहले मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट किसका बनाना है? मशीनरी का। मशीनरी अकाउंट सारी वैल्यू डिलीट। बताओ मशीन पिछले साल कितने की थी? मशीन पिछले साल 1 लाख की। ए देवी, क्वेश्चन कौन सा लगा रही है? अच्छा हाँ, मशीन पहले 3 लाख की थी, सॉरी हाँ इस साल कौन कितने की है? 5 लाख की। चलो अब एडजस्टमेंट में आ जाओ। एक मशीन है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, हाँ, उसको उस पे 70,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की बची? एक लाख की मशीन थी, उस पे 70,000 डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, तो मशीन तो बची 30,000 की। हाँ कि ना? हेलो। सर। हाँ और उसको हाँ सर। बेचा, हाँ तो उसको बेचा तुमने 20% प्रॉफिट में, तो 30,000 का बीस परसेंट परसेंट यानी प्रॉफिट कितना? 6,000 का प्रॉफिट। हाँ, 6 हजार का प्रॉफिट। कितने में बिकी? क्या सर, कितने में बिकी? मशीन कितने में बिकी? मशीन थी 1 लाख की, मेरे माउस को देखो, हाँ, 70,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो बची कितने की? तीस 30 लाख, हजार 30 30 हजार की। अब 30,000 का 20% प्रॉफिट लेकर तुमने मशीन को बेच दिया, तो 30,000 का 20% कितना होता है? तीस हजार का 20%। तीस हजार का 20% कितना होगा? 6,000 होगा ना। 6 हजार। कितने में बेच दिया हमने? हाँ, 5 से 6 हजार। करेक्ट, हाँ सर। 36,000 में हमने बेचा और 6,000 का हमको क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ। हाँ, अब आगे पढ़ो। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70,000। डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 70 हजार का। तो ये कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है ना। अब दोनों तरफ का टोटल करो। खत्म हो गया ये वाला पॉइंट। कितना टोटल आ रहा है? इधर आ रहा है 6,06,000, तो इधर भी आना चाहिए 6,06,000। तो 6,06,000 में 3,06,000 माइनस होंगे, तो परचेज आएगा कितने का?
3 लाख। यहां तक बात समझ में आई या नहीं? आ गई। अब देखो आंसर में जाकर देखो, मशीनरी अकाउंट इसी तरह से बनाया है कि नहीं बनाया है। हाँ है शेप बना। चलो आगे बढ़ो, अगला एडजस्टमेंट देखो। प्रेफरेंस शेयर वेयर रिडीम्ड एट पार 31 मार्च 2022। अब प्रेफरेंस शेयर कितने के थे? 2 लाख के, अब हो गए 1 लाख। यानी 1 लाख का तुमने पेमेंट कर दिया होगा, तो फाइनेंसिंग में माइनस हुआ है कि नहीं चेक करो, जाकर और टिक करो फाइनेंसिंग में 1 लाख रुपए माइनस हुआ है कि नहीं। फाइनेंसिंग हाँ, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। में, फाइनेंसिंग आदि। हुआ है? हाँ ये मामला निपट गया, दो एडजस्टमेंट निपट गए। ये कौन सा नंबर का था? पहला नंबर पॉइंट था, ठीक है ना? दूसरा नंबर पॉइंट का एडजस्टमेंट क्या करना है? 1 लाख रुपए फाइनेंसिंग से माइनस। हाँ अभी लिंक कट जाएगा, तो आधे 15 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद फिर ज्वाइन करना, हाँ हाँ क्योंकि 1 मिनट बचा है। चलो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? इक्विटी शेयर इंश्योरेंस फॉर सरप्राइज 2022 एडवेंचर वेयर हाँ, अब इसको ध्यान से समझना। पहले प्रेफरेंस शेयर को देखो। आवाज आ रही है अब? बेटा वॉइस आ रही है? अरे चलो थर्ड पॉइंट में आ जाओ। इक्विटी शेयर वेयर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021। अब इक्विटी शेयर देखो कितने के थे? 7 लाख। नहीं, उसमें पॉइंट नंबर 1 डाला है, तो नोट्स टू अकाउंट के पॉइंट नंबर 1 में आओ। लाख 3 लाख के थे, अब 6 लाख के हो गए, यानी 3 लाख रुपए और आ गए तुम्हारे पास। तो फाइनेंसिंग में देखो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख रुपए लिखा है क्या? हाँ लिखा है। यानी फाइनेंसिंग में क्या हो गया? हाँ ऐड हो गया। और देखो उसमें आगे लिखा है, डिबेंचर वेयर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2022। तो अब डिबेंचर कितने के हैं हमारे पास? लॉन्ग टर्म बोरोइंग पॉइंट नंबर 3। डिबेंचर थे 2,50,000 के, अब हो गए 2 लाख के, यानी 50,000 का डिबेंचर चला गया। चला गया ना? चला तो 50,000 का अगर डिबेंचर गया, तो देखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000 लिखा है। लिखा वो माइनस हुआ होगा। नींद आने लगी, ये भी बोलती होगी अच्छे सर मिले हैं जो रात में पढ़ेंगे। ये हो गया। हाँ, रिडम्स डिबेंचर का डिविडेंड भी देना पड़ेगा, हाँ 9%। देखो
9 लाख रुपए, 9% 2,50,000 का कितना आता है? दो लाख पचास हजार का 2%, पचास पचास हजार है। हजार फिफ्टी आएगा। ये आएगा, निकालना पड़ेगा, रुक जाओ मैं निकालता हूँ। ये आप कैलकुलेटर, 2,50,000 का 9%। अच्छा 25 दो लाख पच्चीस 2,50,000 है ना? बाईस हजार नाइन पांच सौ स्टोन डिबेंचर 22,500। और डिबेंचर का रिडम्शन कब हुआ है? 1 जनवरी को। अब देखो ये ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है। देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देखो 2,50,000 का जो हम देंगे, 9% देंगे, वो हम कितने महीने का देंगे? 9 महीने का देंगे। क्यों देंगे 9 महीने का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो हमने पेमेंट कर दिया 50,000, अच्छा तो बचा कितना? बचा कितना? देखो 2.5 लाख का डिबेंचर कब तक रहा हमारे पास? 9 महीने तक। तो 2.5 लाख में तो जो हम देंगे वो 9 महीने का देंगे, यानी इंटू 9 डिवाइड बाय 12, यानी 16,875 रुपए हम यहाँ देंगे, और बचा हुआ 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इस पे भी हम देंगे कितना? 9%। लेकिन कितने महीने का देंगे? 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 2 लाख रुपए का 9% कितना होगा? 18,000, और इंटू 3 डिवाइड बाय 12, यानी 4,500। तो टोटल कितना देना पड़ेगा हमको? 4,500 प्लस 16,875, यानी 21,375। चेक करो, ये 21,375 जो है ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा? माइनस। सॉरी कैलकुलेशन फिर से बता रहा हूँ, रुक जाओ समझ, मैं समझ सकता हूँ कि समझने में दिक्कत आएगी। देखो ध्यान से, तुम्हारे डिबेंचर थे 2,50,000 के, थे 2,50,000 के डिबेंचर में से तुमने 50,000 के डिबेंचर को कब पेमेंट कर दिया? जनवरी में। तो जब जनवरी में पेमेंट कर दी हो, तो जनवरी तक का तुम 2,50,000 पे दोगी, और जनवरी, फरवरी, मार्च तक का किस पे दोगी? बचे हुए 2 लाख। तो तुमने 9% दिया 9 महीने का पहला, और फिर बचे हुए 2 लाख पे तुमने 9% दिया, लेकिन कितने महीने का?
नहीं, तो टोटल तुमने दिया 16,875, ये दिया 4,500, ये दिया यानी 21,375 तुमने पे किया। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो तुमने 2 लाख का कर्जा लिया मेरे से, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 9% ब्याज दोगे, 9%, कितना इंटरेस्ट आप मुझे दोगी, 9%। लेकिन आप 1 जनवरी को आए और आपने 1 जनवरी को मेरे को 50,000 रुपये वापस कर दिए, तो मैं आपसे इंटरेस्ट, या आप मुझे इंटरेस्ट कितना दोगी? आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए का लोन था, कब तक? दिसंबर तक था ना, तो 2.5 लाख रुपए पे मेरे को दिसंबर तक का यानी 9 महीने का ब्याज मिलेगा। मिलेगा। अब उसके बाद जब मुझे तुम 50,000 दे चुकी हो, तो तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना बचा? तुमने मुझे 50,000 दे दिए, तो तुम्हारे पास लोन कितना बचा? तुमने मेरे से 2.5 लाख रुपए लिए थे, 1 जनवरी को तुम आई और तुमने मुझे 50,000 वापस कर दिया, तो को लोन कितना बचा? लोन बचा 2 लाख। अब उस 2 लाख पे तुम अगले 3 महीने का ब्याज दोगी? नहीं समझ में आया, फिर से समझो। आपने मेरे से लोन लिया 2,50,000, हेलो। वॉइस आ रही है? आपने मेरे से लोन लिया 2,50,000, और कब? 1 अप्रैल को। और आपने मुझे 50,000 रुपए 1 जनवरी को वापस कर दिए, तो जब मैं आपसे ब्याज मांगूंगा, तो आपके सर पे 2.5 लाख का लोन कब तक था? हेलो। नहीं आ रही वॉइस? वॉइस कट कट के आ रही क्या बेटा? आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही। आगे आने लगी वॉइस? आगे। अब सुनो, आपने मेरे से 2,50,000 का लोन लिया 1 अप्रैल को, आपने मुझे 2 लाख रुपए वापस कर दिए, सॉरी 2,50,000 रुपए वापस कर दिए 1 जनवरी को, तो अप्रैल से जनवरी तक मेरे को तुम कितने रुपए पे ब्याज दोगी? 2.5 लाख पे। हेलो। हाँ बेटा, वॉइस आई? फिर मेरी बीच वॉइस, में कट रही है। हाँ नेट खत्म हो गया क्या आज का? सर, मेरे पास तो है। पास नेट है तो मेरे पास भी तो 5G चल रहा है। मेरे पास 5G वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड। वाईफाई। मौसम का मतलब असर पड़ रहा है। चलो ध्यान दो, तुमने मेरे से 2.5 लाख रुपए का लोन लिया और 1 जनवरी को तुमने मुझे 50,000 वापस कर दिया। अब बताओ, अप्रैल से जनवरी तक का तुम मुझे ब्याज कितने रुपए पे दोगे? जितने कितने थे? 2.5 लाख। बचे हैं और जनवरी फरवरी मार्च का मेरे को कितने रुपए पे ब्याज दोगी? ट्वेल्व कर देंगे। तो वो किस वैल्यू पे दोगी? 2 लाख पे दोगी कि 2.5 लाख पे दोगी? 2.5 लाख में ना। क्यों, 50,000 तुमने जमा तो कर दिया जनवरी में?
अच्छा हाँ, तो फिर हम करेंगे 2 लाख। अब बात पल्ले बड़ी, इसलिए हाँ इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा, हाँ नहीं तो हम तो सीधा 2.5 लाख पे 9% निकाल दिए थे 25,000। बात समझ में आई? अब ये देखो 21,375 रुपए ऑपरेटिंग में क्या फाइनेंसिंग में माइनस हुआ है क्या? नहीं, 21,375 ऑपरेटिंग में प्लस हुआ है। हुआ है। और फाइनेंसिंग में माइनस हुआ है। चलो हाँ आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 3 निपट गया, पॉइंट नंबर 4 में आ जाओ। द कंपनी डिक्लेयर एंड पेड इंटरमीडिएट। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट 40 पर 40%। आउट ऑफ जनरल रिजर्व, इट डिड नॉट प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। अब 40 रुपए पर शेयर, अब शेयर कितने थे? शेयर किसके शेयर? अरे कंपनी के शेयर। हाँ 3 लाख थे। 3 लाख रुपए के शेयर है ना, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? क्योंकि ये नंबर ऑफ पर शेयर बोल रहा है, 40 पर शेयर। 40 रुपये होगी। 40 रुपए इक्विटी शेयर एट द रेट 40 पर शेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से उसने डिविडेंड दिया अच्छा 40 पर शेयर। तो जनरल रिजर्व कितना है हाँ, देखो, तीन लाख पचहत्तर हजार का जनरल रिजर्व है जनरल और 1,35,000 रिजर्व हो गया। हो गया। कितना कितना कम हो गया, 3,75,000 माइनस 1,35,000, यानी 2,40,000 का इंटरिम डिविडेंड बांट दिया। देखो फाइनेंसिंग से माइनस हुआ है। इंटरिम डिविडेंड हमने दिया 3,75,000 माइनस 1,35,000 इज इक्वल टू 2,40,000। क्या किया इसको फाइनेंसिंग से? माइनस किया। अब देखो 2,40,000 का यूज और कहीं नहीं हुआ होगा। अब देखो इतना समझाने के लिए उसने वर्किंग नोट में ए नंबर पॉइंट बनाया है। बनाया बनाया है। बनाए चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5। 5 क्या कह रहा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 60,000 वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है चेक करो। तो अपन को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी तो फिक्स एसेट का जैसे होता है ना, ठीक है ना?
इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी तो फिक्स्ड एसेट्स की तरह एसेट्स में लिखा जाता है ना। तो बताओ कितना था पिछले साल? इन्वेस्टमेंट थी पिछले साल 1,40,000। 1 लाख। करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? 1,40,000। और करंट ईयर में कितने की है? दो लाख है ना। और ये बोल रहा है कि तुमने 60,000 वाले इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 20% प्रॉफिट में। तो 60,000 का 20% कितना आएगा? 12,000। तो टोटल कितना हो गया? 72,000 में बेच दिया। और प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं? यहाँ। करेक्ट। तो टोटल कितना हुआ? 2,72,000। यहाँ भी होना चाहिए 2,72,000। अब इसको माइनस करो, 2,72,000 माइनस 1,40,000 माइनस 12,000, 1,20,000 का परचेज आ गया। ये पल्ले पड़ा कि नहीं? हाँ, पहले पर चलो, तो अब ये प्रॉफिट जो है 12,000, देखो ऑपरेटिंग में माइनस हुआ है क्या? नहीं, देखो हुआ होगा। होता है। 12,000 का प्रॉफिट देखो। हाँ, आराम से देखो, मिलेगा। अच्छा, ये इन्वेस्टिंग में 1,20,000 माइनस हुआ है कि नहीं? हुआ है। अच्छा, ये सेल्स का 72,000 इन्वेस्टिंग में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? जुड़ा हाँ हाँ कि हाँ 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 ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व। अब आ जाओ, इनकम टैक्स वॉज प्रोवाइडेड 45,000। अब ऊपर देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स तो नहीं दिया कहीं? ये दिया है, दिया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हाँ, नोट्स अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट में दिया है। हाँ, तो यानी अपन को प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो मैंने आपको क्या बोला था, किसका उल्टा होता है? टैक्स यानी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी एसेट्स का उल्टा होता है। बताया था ना उल्टा होगा। तो प्रीवियस ईयर का बन जाएगा ये करंट ईयर, और करंट ईयर का बन जाएगा ये। चलो ये मिटा देते हैं अपन। अब बताओ मुझे, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन कितना है? प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है 25। 25। इसको करंट ईयर से कर दें प्रीवियस ईयर। है ना? चलो ये हो गया प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का कितना है? हम्म, 50,000। हाँ, 50,000 है। आराम से ठंडे दिमाग से देख बेटा, सब बनेगा तेरे से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बने ना। हम्म,
चलो अब हमने टैक्स इस साल कितना पे किया है? फोर्टी फाइव थाउजेंड लिखा है, लिखा है क्या हाँ लिखा है? इनकम हाँ टैक्स इज प्रोवाइडेड, पेड नहीं है, प्रोवाइडेड बाय प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर, कितना? 50,000। तो टोटल कितना हो गया? 75। यहां भी कितना आना चाहिए? 75। यहां कितना आया? 25। 24 ना 25 ये है तुम्हारा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये देखो, ये ऑपरेटिंग में माइनस हुआ है क्या? 25,000 नहीं सर नहीं हूँ ऑपरेटिंग में, देखो ध्यान से। टैक्स पेड हाँ हाँ सर लेकिन अपनी वैल्यू गलत कैसे आ रही है? कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने ये बताओ, ये 45,000 ना है, 50,000 है। हाँ ये 70 ना होगा। सेवेंटी देखा, ये एक चूक हुई तो लफड़ा हो गया था अभी। ये 20,000 देखो माइनस हुआ हाँ है, और प्रोविजन फॉर टैक्स जो ये 45,000 करंट ईयर का है, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। अब ये बोलो, हुआ है 45,000 प्लस? कहाँ हुआ है? ये 45,000 कहाँ प्लस हुआ है? नहीं वो नहीं हुआ है हुआ कहाँ कहाँ हुआ है? हुआ नहीं हुआ नहीं वर्किंग हुआ वर्किंग नोट में जाओ बिटिया, वर्किंग नोट में। हाँ हुआ तो है ठीक है, तो चाहे वर्किंग नोट में करो चाहे ऊपर कर दो, बात वही है ना? ठीक, ये भी तुम्हारे हाँ समझ में आ गया। ये सारे एडजस्टमेंट हो गए। हाँ अब इसके बाद बाकी बची हुई वैल्यू तो आप अपने आप रख लोगे। हाँ सब रखेंगे अब बताओ, हो गया अब कल तुमको जाना है जबलपुर? हाँ ठीक है फिर, तो टुडे इज द लास्ट डे। हाँ हाँ सर चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और अगर कभी कोई लफड़ा फंसता है, कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो व्हाट्सएप डाल देना, अपन फिर बात करके कि जैसा होगा कर देंगे। सर फोन नहीं अलाउ हॉस्टल में हाँ, फोन अलाउड नहीं है। हो गया तो फिर जब होगी आओगे, देखना हो तुमको कोई डाउट होगा तो बताना। ठीक है, हॉस्टल टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। में थैंक यू मैं ये फाइल भेजता हूँ। बाय कह दो बुआ को, बोल दो बाय। हेलो, बाय बोलो। बाय
ठीक है बेटा। ठीक है सर।